हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप में से बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि बीपीएससी 7th फेज की फाइनल आंसर की कब आउट होगी, कब रिलीज होगा, कब जो आपने क्वेश्चंस जिस पे आपत्ति, आपने चैलेंज दर्ज कराए हैं उसके नंबर आपको सभी को मिलेंगे। देखिए, क्वेश्चंस तो बहुत सारे चैलेंज किए गए थे, जैसा कि आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया था। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे नंबर्स जो है वो मिल जाएंगे आप सभी को, बट अभी तक की जो डेटा के अकॉर्डिंग है तो 6 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके क्वेश्चंस के जो आंसर है उनको चेंज किया है। तो बहुत सारे लोगों के नंबर बढ़ गए हैं। तो जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, बेसिकली ये जो वीडियो है अभी मैं फिलहाल जो है फीमेल शिफ्ट की बना रही हूँ, बाद में मेल शिफ्ट का बनाऊंगी। तो बीपीएससी 7th फेज फाइनल आंसर की रिलीज हो चुका है, फीमेल शिफ्ट का जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, कितने नंबर बढ़े हैं, कितने घटे हैं, और ये 24/8/2023 का है। तो फीमेल शिफ्ट की बात करने वाले हैं, सेफ स्कोर भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, अभी क्या हो गया है कि बहुत सारे लोगों के ना नंबर वैसे सुनने में आ रहे हैं कि इक्वल हो गया है, मतलब कि फाइनल आंसर की के पास जैसे कि 2 से 4 लोग होंगे जिनका नंबर 40-40, 45-45 आ रहा है। तो आप भी जानते हैं कि उसमें फिर आपका देवनागरी लिपि से देखेंगे, एज देखेंगे, उसके बाद से सिलेक्शन होगा। तो खैर, वो तो रिजल्ट के बाद की बात है। और अभी जो फाइनल आंसर की आई है ना, तो अब रिजल्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जैसा कि आपने देखा ही था बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला भी था कि रिजल्ट पे काम चल रहा है, बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा इसी महीने में। तो चलो, अच्छी बात है, एटलीस्ट फाइनल आंसर की आई है। तो अब आपके पास एक अपना एक्यूरेट स्कोर होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर बदले गए हैं। अच्छा, कितने क्वेश्चंस के आंसर बदले गए हैं मैंने अभी बताया था कि 6 ऐसे क्वेश्चंस हैं, और अभी जो डेटा आई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाली हूँ। मैथ में भी 1-2 क्वेश्चंस हैं, साथ में अगर आपने आंसर के देखा होगा तो डार्क कलर से ऐसा उन्होंने मेंशन किया है, डार्क कलर से कुछ ऑप्शंस, तो वो वाले अपडेट किए गए हैं आंसर, ठीक है। तो आपने मिलाया होगा, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज मुझे बताइएगा कि क्या आपके नंबर बढ़े हैं, घटे हैं। पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। नई आने वाली वैकेंसीज के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अच्छे से करो, क्योंकि अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट, डीवी, 2 ही चीज बाकी है, इसके बाद इनका पूरा काम खत्म, और विज्ञापन आना है इसी महीने के लास्ट तक। तो 6 to 8, 9 to 10, 11 से 12 के लिए जितने लोग भी मेरे से पूछ रहे थे कि हमें बुक्स बता दीजिए, तो आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को चाक्सु प्रकाशन की बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 2 के बुक्स के बारे में बताना चाहती हूँ। ये तीनों बुक बहुत अच्छी हैं, बीपीएससी का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। इन तीनों बुक के माध्यम से आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, और एंड अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसको चेकआउट जरूर करें। ये स्टडी गाइड है, अगर आप 9 से 10, 11 से 12 के लिए अप्लाई करेंगे तो आप ये बुक ले सकते हो। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, साथ में स्टडी गाइड है, तो पूरा जो है एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरी थ्योरी तैयार की है। और यहाँ पर आप हैं कि आपको लैंग्वेज का सेक्शन, साथ में जीएस का सेक्शन भी आएगा, तो इसमें सॉल्व पेपर्स के साथ साथ एमसीक्यूज एंड थ्योरी मिलेंगे। एंड अगर आपका सब्जेक्ट रहा है संस्कृत तो आप ये बुक ले सकते हो, और मैंने बताया ही है कि पूरा बीपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। इस बुक का मैं आपको सैम्पल पीडीएफ दिखाना चाहूंगी। देखिए, बहुत अच्छे से स्टडी गाइड में आपको पूरा जो है थ्योरी वाइज मिलेगा, एंड इन्होंने हर बुक में जो है क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, जिसकी मदद से मान लीजिए आपने थ्योरी पढ़ा और फिर आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको काफी आसानी होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो, और इस बुक की मदद से आप जो है अच्छा स्कोर भी करेंगे। तो देखिए, आपने देख लिया होगा, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। सबसे पहले फीमेल आंसर की में क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं। एक जो क्वेश्चन था ना कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर पाए, मतलब कहाँ पे होता है, तो ये इसके आंसर इन्होंने पहले केरल दिया था, अभी इन्होंने ऑप्शन नंबर डी, तो आप देख लीजिए, क्योंकि डी का मतलब है एक से अधिक, ई का मतलब होता है कोई नहीं। तो अगर आपने डी वाला ऑप्शन पहले सेलेक्ट किया था बट बीपीएससी ने उसको माना नहीं, अब उसने अपना आंसर अपडेट कर दिया इसको डार्क कलर में, तो अब इसका आंसर हो गया है डी, तो मे बी आपके नंबर बढ़े हो, क्योंकि ये वाले जो आंसर पे बहुत सारे लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी और बीपीएससी ने इसको माना है। तो देखिए, इस तरीके से मानो जिसके नंबर जो है पहले किसी के नंबर कम थे वो जो है क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, वो क्वालिफाई कर चुके हैं, तो अब आपको इसका बहुत ज्यादा कट ऑफ उतना देखने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या हो गया कि कुछ लोग के तो नंबर भी इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। तो आप प्लीज मुझे बताना कि अगर आपने मिलाया तो अब आपके कितने नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। जैसा मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि उनके नंबर पहले क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, अब हो चुके हैं, तो ये हो गया एक से अधिक। दूसरा, आपको पता है श्वसन मूल ये किस में पाए जाते हैं, तो इसका भी आंसर होगा डी, ये भी आप मिला लेना, एक से अधिक वाला आंसर, ठीक है। और दक्षिणा पथ वाला भी आंसर जो है उसका भी एक से अधिक। तो ये अभी 3 क्वेश्चंस का मैं आपको बता रही हूँ, और भी जो चीजें आएंगी, क्योंकि अभी तक मैंने ये 3 क्वेश्चंस देखे तो मैंने सोचा आपको बता दूं, और आप मुझे बताएं कि इसके अलावा आपको कौन कौन से जो है आंसर क्वेश्चंस के आंसर बदले गए हैं।
वैसे तो जो डार्क कलर वाला है आप उसे उस देख सकते हो, बट एक बार क्वेश्चंस के तरीके से देखना, क्योंकि क्या हो गया है कि जिन लोगों ने तुक्का लगाया था ना उनका गलत हो गया है। मान लो जिसको क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता है, अब किसी ने ई टिप दिया किसी ने डी, तो ऐसे लोगों को तो आप जानते ही हैं तुक्का लड़ गया तो ठीक है, नहीं तो नंबर कम हो गए। तो जिसके नंबर कम हुए हैं, जिनको एकदम से पता था कि नहीं इसका आंसर तो एक से अधिक वाला ही होगा, उष्णकटिबंधी वाला, श्वसन मूल वाला भी, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की तो उन्हें पता है कि इसका आंसर भी एक से अधिक होगा, दक्षा पद का भी पता है कि एक से अधिक होगा, तो इनके नंबर क्या हुआ कि बीपीएससी के अकॉर्डिंग नंबर घट गए पहले। बट अब बीपीएससी ने सही माना कि नहीं स्टूडेंट्स ने चैलेंज सही किया है, ये हमारी गलती है, इस पर नंबर मिलना चाहिए। तो जो जेन्युइन जिन्होंने सच में आंसर पढ़ाई करके लगाई थी, अब उनके आंसर जो है सही हो चुके हैं और उन लोगों के नंबर बढ़ गए हैं। तो आप समझ सकते हो नंबर बढ़ने का घटने का रीजन यही होता है। तुक्के में अगर आपने लगाया है तो इस बार मे भी तुक्का गलत हो गया हो, सही तरीके से आपने लगाया था तो आपके नंबर बढ़ गए हैं। तो अभी फिलहाल के लिए है, बाकी जो भी होगा मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, क्योंकि वीडियो में बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, आप अपना आंसर मैच करा लेना। वैसे तो आपने फाइनल आंसर की से अपने सारे आंसर मैच करा लिए होंगे, तो नंबर बढ़े हैं घटे हैं तो मैंने बता दिया है किसके नंबर बढ़े हैं किसके नंबर घटे हैं। मोस्टली लोगों के नंबर बढ़े हैं। तो ये फीमेल शिफ्ट का है, 24/8/2023 का पेपर है, और मेल शिफ्ट का भी वीडियो आएगा, आप वो जरूर देखिएगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो लोग सेफ स्कोर पूछ रहे थे कि कितना होगा, तो देखिए 36 से ऊपर जितने भी है ना, फीमेल की बात कर रही हूँ, आप सेफ हैं, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, वैकेंसी कम नहीं है। आप सोचो कि 80,000 के आसपास है, टोटल 80,000 नहीं है, ऊपर से फीमेल की सीट भी रिजर्व है, तो फीमेल को तो 50% का रिजर्वेशन मिल रहा है। तो फीमेल में जो कम नंबर है ना, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, बस क्वालिफाई से ऊपर है ना, समझ लो कि आप सभी के लिस्ट में आने के चांसेस, नाम लिस्ट में आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसी में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 9 से 10 में चले जाएंगे, 11 से 12 में चले जाएंगे, ठीक है। और आप भी जानते हो कि रिजल्ट अभी डीएलएड का बनना है, ठीक है। तो जब डीएलएड का रिजल्ट बनना है तो बहुत ज्यादा नंबर तो किसी का आया नहीं है कि सबके नंबर 80 आए हैं, 70 आए हैं, इक्का दुक्का को छोड़ दीजिए, बाकी सब एवरेज इसी में आ रहे हैं, 36 है, 38 है, 40 है, 45 है, तो इतने नंबर वाले ऑब्वियस ही बात है आराम से हो जाएगा रिजल्ट। वैसे भी इनका आप देख ही रहे हो कोर्ट केस चल ही रहा है, तो डीलेट वालों का रिजल्ट बनाना है, तो बहुत जल्द आप सभी के सामने रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जितनी भी फीमेल इस वीडियो को देख रही हैं, अब आप अपना सही मार्क्स बताओ, क्योंकि आप अपना मार्क्स बताएंगे दूसरे लोग भी बताएंगे, तो आप वहां से कमेंट से जो है नंबर देख सकते हो। और अगर आप कहेंगे तो मैं फीमेल सेट का पोल करा दूंगी, जहां पे अब आपको फाइनल आंसर की के जरिए एक नया जो है मार्क्स देखने को मिलेगा। और नंबर बढ़े हैं तो अच्छी बात है कि जो लोग पहले क्वालिफाई नहीं कर रहे थे अब वो भी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो ये सारी चीजें बतानी है। बाकी रिजल्ट में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, रिजल्ट अब आपको बहुत अचानक से देखने को मिल जाएगा कि रिजल्ट भी जारी हो चुका है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।